谢谢。माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घर में सेफ होंगे। तो फ्रेंड, अभी सुबह 8 बजे का क्लिप है और अभी मैं रूम से बाहर निकली हूँ और इधर देखिए काफ़ी अच्छा व्यू है ना। अभी बादल कुहासा टाइप में किया हुआ है और कबूतर का गुटर गुटर आवाज। तो फ्रेंड, अभी मैं आप लोग को ना पैक करने से अच्छे से दिखाऊंगी कि यहाँ हमारे घर के पीछे कितने ज़्यादा हरियाली है। तो अभी ना मैं आप लोग के बैक कैमरे से दिखा रही हूँ और यहाँ पे देखिए बड़े पापा ना ये पुआल घर से लेके जा रहे हैं और वहाँ पे ना बीज लगाए हैं, तो उसी के ऊपर ना पुआल ढक दे रहे हैं क्योंकि जो बीज होते हैं ना वो अच्छे से निकलेंगे और जो मुर्गी वगैरह होते हैं ना वो उनसे बर्बाद नहीं करेंगे। तो वो किस बीज का तैयारी कर रहे हैं, तो बड़े पापा ना प्याज का जो बीज होते हैं ना तो वही वहाँ पे ना बोए हैं, तो उसी का तैयारी कर रहे हैं। और ये देखिए हमारे घर के पीछे का बाड़ी का व्यू देखिए, काफ़ी हरे भरे आप लोग को दिखेंगे। जहाँ तक आपकी नज़र जाएंगे ना वहाँ तक हरे भरे रहते हैं। और उसके बाद ना फिर मैं वहाँ पे दतुन उतन बैठ के कर ली हूँ और करने के बाद देखिए यहाँ पे अपने से मैं कुर्सी लेके आई हूँ और अपने से मैं एक पैर से ही यहाँ पे आ गई हूँ और बस उसी बैसाखी के सहारे। और अभी ना आरोही जा रही है स्कूल, इसलिए मम्मी भी जा रही है, तो दोनों का लेट हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे अभी आ गई हूँ रसोई पे। मम्मी बोल रही है कि अभी स्कूल चली जाएगी तो फिर अभी खा भी नहीं पाएगी, तो थोड़ा सा बैठ के भून दो। और अभी मम्मी का स्कूल का टाइम भी हो गया है तो वो जाएगी रेडी होने के लिए। और ना अभी हम कोई भी महिला ना कुछ भी हो जाए बैठ के कभी रह नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो। और अभी ना मेरे सर्दी खांसी बहुत ज़्यादा है, मैं अच्छे से बोल भी नहीं पाती थोड़ा सा वर्ड, इसलिए ना मैं वॉइस कवर भी करती हूँ ना, तो थोड़ा सा थोड़ा बोल के मैं वॉइस कवर कर रही हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा मुझे खांसी है, सर्दी भी है, आवाज़ बिल्कुल भी अच्छे निकल नहीं पाते हैं। फिर भी मैं ब्लॉग यहाँ पर बना रही हूँ और ना अभी देखिए मैं कुर्सी में बैठे बैठे ही ना प्याज काट करके और डाल रही हूँ। और माँ ना आरोही को साइड कर रही है क्योंकि बोलती है चूल्हे के पास अगर यहाँ पे डर उड़ जाएगी तो फिर और भी और एक दिक्कत हो जाएगा। तो देखिए कितना मुश्किल हो रहे हैं मुझे एक पाँव से सब कुछ काम करने में, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रहे हैं। एक पैर से ना ज़िंदगी काटना इतना आसान नहीं होता है जितना कि आसान समझते हैं लोग, सोचते हैं कि एक पैर नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन सारा कुछ कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जिनके साथ बीतते हैं ना वही समझ सकते हैं कि एक पाँव नहीं होने से कितने ज़्यादा दिक्कत होते हैं। मेरे तो अभी 15-16 दिन हुए हैं जो कि मुझे एक पाँव का कष्ट पता चल गया कि कितना दिक्कत होता है। तो जिनका ज़िंदगी के लाइफ टाइम के लिए हमेशा के लिए उनके पाँव नहीं रहते तो वो कैसा फील करते होंगे। आज तो मुझे बहुत ही अजीब सा फील हो रहा है। और यहाँ पे देखिए माँ आरोही फिर से आ गई है रसोई में और यहाँ पे देखिए आरोही बोल रही है मम्मी हम थोड़ा सा चला के देखते हैं। तो यहाँ पे ना मैं चने को भून दे रही हूँ और ना फ्रेंड और मुझसे ना बोला नहीं जा रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे खांसी है और खांसी में ना मेरे जो गले हैं ना वो फंस रहे हैं, इसलिए मैं फुलाया हुआ चना था ना उसको मैंने भून दिए हैं। और भून के ना अभी देखिए कढ़ाई में ये दूसरा वाला चूल्हे पे रख दिए हैं और ये जो पानी है ना ये गर्म पानी है, मेरा दिन भर का पानी पीने वगैरह के लिए हो जाते हैं। और ये देखिए बैठे बैठे ना यहाँ पे भात बनाया गया है ना, तो उसी को मैं यहाँ पर ना अपना थाली में लगा रही हूँ। और अभी ना माँ और आरोही स्कूल चली गई है खा के और अभी फिर मैं भी खा लेती हूँ क्योंकि टाइम अभी 11 बज चुके हैं। बैठे बैठे ना यहाँ पे मैं थोड़ा देर
बैठ गई थी ऐसे ही सेब खा के और चना खा के। तो फिर मैं यहाँ पे अभी भात खाऊंगी और दवा वगैरह जो है ना वही सब मैं खा लेती हूँ अभी। और ना फ्रेंड, मेरा ब्लॉग वीडियो आप लोग देखते हैं तो प्लीज आप लोग देख के मेरा ब्लॉग वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि मेरा ब्लॉग वीडियो आप लोग कैसा लगता है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोग को अच्छे से अच्छे ब्लॉग बना पाऊँ, लेकिन मैं अभी मजबूर हूँ। तो प्लीज आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। तो ये देखिए, अभी हम इतने सारे भात ले लिए हैं, सब्जी ले लिए हैं। और ना फ्रेंड, मैं जब खाना खाने बैठती हूँ ना तो सोचती हूँ बहुत सारा खाना खा लूँगी, लेकिन एक भी थोड़ा सा भी खाना मुझसे अच्छे से खिला नहीं रहे हैं। और फिर खाना वगैरह खाने के बाद ना मैं बाहर धूप में ही दिन भर यहाँ पे बैठी रहती हूँ। उसके बाद देखिए शाम का ही समय है और अभी ना दादी बारी से देखिए लेके आई है प्याज साग और धनिया पत्ता, और ये ना मम्मी मूली काटने के लिए दी है, गाय वगैरह खिलाएगी इसलिए। और ये देखिए एक टब में ना मैंने इतने सारा धनिया भी बांध के रख दिए हैं। और यहाँ पे दादी को ना ये धनिया तो हम बांध लिए किसी तरह, लेकिन ये जो प्याज के पत्ते हैं ना वो हमसे बांधा नहीं जा रहा था, इसलिए मैं दादी को बोल दी कि यहाँ पे बांध दीजिए, हम इसको साफ कर देंगे। और ना फ्रेंड, एक हम किसान की बेटी है तो जो देखिए आज मैं ना बचपन से ये सब देखती आई हूँ ना, तो ये सब करने में ना मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं होती है क्योंकि आदत सी हो गई है। और मेरा जो जहाँ पे ससुराल है ना वहाँ पे भी किसान हम लोग खेती बाड़ी ही करते हैं, और यहाँ पे भी मैं बचपन में ही की थी, तो यहाँ पे देखिए करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। बस मैं अभी ना नीचे बैठ के काम नहीं कर पा रही हूँ ना, इसलिए बस थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो यहाँ पे मैं बैठे बैठे ना कर दे रही हूँ। तो और ना ये मेरी अपनी दादी है, और मेरी दादी ना अभी भी खेतीबाड़ी सारा काम संभालती है, घर का जितने भी काम संभाल लेती है सारा कुछ, अपने पैर पे सब कुछ कर लेती है। और अभी ना जैसे कि मैं वीडियो में पहले ही दिखाई कि देखिए हमारे यहाँ कितने सारे खेती होते हैं, तो यहाँ पे ना बहुत सारे सुविधा है, जितने भी घर के पीछे है ना सारा कुछ इधर ही बाड़ी रहता है। और मेरा ससुराल में ना बहुत दूर दूर में बाड़ी है, तो वहाँ पे ना और भी दिक्कत होती है। और यहाँ पे ना कुआं ही बगल में है सामने में, और ना बूढ़ा बुजुर्ग लोग काम करते हैं ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए ना मैं दादी का यहाँ पे ना थोड़ा बहुत बैठ के जितने ही सकती हूँ उतने ही हेल्प कर देती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से ना आधा केजी करके ना बांधा गया है इसको, और बांधने के बाद ना फिर इसको धो के और सुबह मार्केट जाएगा, इसलिए अभी शाम में ही ना थोड़ा कम बहुत ठंडा है यहाँ पे, नहीं तो सुबह में ना इतना ज़्यादा ठंडा है ना कि सुबह निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, इसलिए दादी ना शाम में ही सारा कुछ ये सब काम कर लेती है। तो फ्रेंड, आई होप कि आज का मेरा ब्लॉग वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ब्लॉग वीडियो आप लोग कैसा लगता है, क्योंकि आप लोग कमेंट्स करते हैं ना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स कीजिए, और जो भी मेरे चैनल पर नए आएंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। तो मिलती हूँ अच्छे ब्लॉग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय माय यूट्यूब फैमिली, खुश रहिए, अपनी दुनिया मस्त रहिए।